अस्सलाम वालेकुम नाजिन, इस वक्त डेस्कॉन टावर्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है परियर टाउन कराची में। डेस्कॉन टावर्स बेसिकली दो टावर्स यहाँ पर दिए गए हैं परियर टाउन में, जिसमें टावर ए का पोजीशन 24 अगस्त 2024 को हैंडओवर किया जा चुका है। और हमारे वो नाजिन, हमारे वो कस्टमर्स जिन लोगों ने डेस्कॉन टावर्स में बुकिंग करवाई थी, यहाँ पर अपार्टमेंट्स परचेज किए थे, उन लोगों को लेटर्स ऑफिशियली लिखे जा चुके हैं डेस्कॉन मैनेजमेंट की तरफ से कि आप लोग अपने जो बाकी जात जितने भी वाजबात हैं वो अदायगी कीजिए और अपने अपार्टमेंट का कब्जा ले लीजिए। और ग्राउंड फ्लोर पे जो शॉप्स बनी हुई हैं, इसमें शॉप्स वालों को भी लेटर लिखे जा चुके हैं कि आपके शॉप्स भी 100% रेडी हैं, आइए अपने जो पोजेशन के चार्जेस हैं वो अदा कीजिए और बिजली पानी गैस के जो कनेक्शंस हैं वो आप लोगों के अपार्टमेंट में इसको एक्टिव कर दिया जाएगा। और यहाँ पे रिहाइश के लिए लोग अब जो है एक के बाद एक आना शुरू हो चुके हैं, आप लोग यहाँ शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। वन बेडरूम अकोमोडेशन और टू बेडरूम अकोमोडेशन के यानी डिफरेंट साइज के अपार्टमेंट है। टू बेडरूम अकोमोडेशन में 1400 स्क्वेयर फीट का एरिया है और जो वन बेडरूम अकोमोडेशन है इसमें 600 स्क्वेयर फीट, 580 स्क्वेयर फीट और 620 स्क्वेयर फीट, यानी मुख्तलिफ तीन चार साइज हैं जिसमें पोजेशन भी अवेलेबल है। आज आप लोग इसमें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि आप लोग डेस्कॉन टावर में शिफ्टिंग कर सकते हैं। डेस्कॉन टावर्स में हमारी टीम में वलीद साहब हैं, तलहा साहब हैं और राशिद भाई हैं, ये लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। स्क्रीन पर नंबर भी दिए गए हैं, आप लोग ये स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर रब्ता करके डेस्कॉन टावर की सारी मालूमात भी ले सकते हैं। और अगर आप लोग इसमें कुछ सेल या परचेज करना चाह रहे हैं तो मालूमात लीजिए, पहले प्रॉपर रिसर्च कीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए और यहाँ फिर आप लोग डील्स को प्रोसीड कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट की अदायगी के लिए आप लोगों को ऑफिशियल अकाउंट्स दिए जा चुके हैं, अगर आप लोगों को बकाया वाजबात हैं तो वो भी आप ऑफिशियल तरीके से ऑफिशियल अकाउंट्स में ही अदायगी कीजिए और उसकी जो स्लिप्स वगैरह होंगी वो हमारे एजेंट के साथ शेयर करके अपने पोजिशन की जो एप्लीकेशन है वो हमारी टीम के ज़रिए दी जा सकती हैं। इसके अलावा जो टावर बी है जिसमें अभी तक आप लोगों को भी पोजीशन नहीं मिला है, इंस्टॉलमेंट प्लान गोइंग ऑन है और यहाँ पे इमेच्योर प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी अभी थोड़ा टाइम टेकिंग है, हो सकता है एक साल या डेढ़ साल का अरसा दरकार है कि आप लोगों को कब्जा मिलेगा। तो अगर वो लोग जो फौरी तौर पे पोजीशन चाह रहे हैं वो टावर बी की अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके टावर ए में यानी जो अपॉर्चुनिटीज रीसेल पे आ रही हैं उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी ऑप्शंस हमारी टीम के पास मौजूद हैं, आप लोग मशवरा कीजिए, कंसल्ट करें और टेक योर टाइम, फिर रिसर्च के बाद प्रॉपर कंपेटिटिव प्राइस लेके यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। इसकी लोकेशन बताता चलूँ, प्रिसिंक्ट 8 और बैरियर हिल्स के बिल्कुल दरमियान में, जहाँ यहाँ क्लॉक टावर बना हुआ है बैरियर टाउन कराची में, ग्रैंड जामा मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट इसकी लोकेशन है और ग्रैंड जामा मस्जिद का लाइफ टाइम व्यू इन अपार्टमेंट से आप लोगों को मिलता रहेगा। इसमें वेस्ट ओपन अपार्टमेंट्स भी हैं, एक तरफ फ्लैग पोल जो बैरियर टाउन कराची में बड़ा यानी आइकॉनिक किस्म की एक यादगार बनी है, वहाँ भी आप लोगों को व्यू मिलता रहेगा। अच्छे हवादार बड़े खूबसूरत एम्बियंस के साथ ये अपार्टमेंट डिज़ाइन किए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसमें आउटर हो या इनर हो, हर तरह के अपार्टमेंट बड़े ज़बरदस्त अंदाज में डिज़ाइन किए गए। इसका कंपाउंड बहुत अच्छा है, इसमें जो लिफ्ट्स हैं, पैसेंजर लिफ्ट्स हैं या कार्गो लिफ्ट्स हैं, उन लिफ्ट्स की क्वालिटी, इसका मेंटेनेंस और डेस्कॉन मैनेजमेंट ने जो अपने रिहायशियों को सहूलियात दी हैं, ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग एक सिंगल पैकेज के तौर पे देखें तो विद इन बैरियर टाउन प्रेमिसेस ये बड़ी ज़बरदस्त रिहाइश होगी, जो कि प्रिसिंक्ट 10A, प्रिसिंक्ट 11A, अली ब्लॉक, प्रिसिंक्ट 8, बैरियर हाइट्स, ये सारी की सारी यानी पॉपुलेटेड एरिया इसकी सराउंडिंग में ही है जहाँ पे ये डेस्कॉन का टावर ए पोजेशन के तौर पे आप लोगों को हैंड ओवर कर दिया गया। यहाँ पे रीसेल में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहें या एज ए परचेजर नहीं आप यहाँ पे उम्मीदवार हैं और बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर क्रॉस चेक करिए मार्केट और हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।